हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़ दोस्तों पारस्परिक अंतर जनपदी स्थानांतरण जी हाँ दोस्तों परिषदीय जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं उनका म्यूचुअल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का दोस्तों जियो जारी हो गया है आते हैं एक एक पॉइंट आपके सामने क्लैरिफाई करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं पारस्परिक अंतर जनपदी स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अध्यापकों हेतु ये दिशा निर्देश दोस्तों जारी हुआ है गाइडलाइंस जारी हो गई हैं एक एक पॉइंट आपके सामने क्लैरिफाई करते हैं पहला बिंदु आपके सामने है कि शासनादेश संख्या टू जीरो टू फोर ऑब्लिग सिक्सटी एट डैश फाइव डैश टू थाउजेंड नाइन्टीन एट वन जीरो ऑब्लिग 2017 टीसी दिनांक 2 दिसंबर 2019 द्वारा अध्यापकों के अंतर्जनपदी स्थानांतरण के साथ साथ अध्यापक या अध्यापिकाओं के पारस्परिक अंतर जनपदी स्थानांतरण की व्यवस्था दी गई है अतए पारस्परिक अंतर्जनपदी स्थानांतरण है तो ऐसे अध्यापक या अध्यापिकाएं जो का ऐसे नियमित पुरुष शिक्षक जो अपने तैनाती या कार्यरत जनपद में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा एवं महिला शिक्षिकाएं जो अपने तैनाती या कार्यरत जनपद में न्यूनतम एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुकी हों एवं उनके विरुद्ध पूर्व में स्थित किसी विभागीय कार, कार्य कार्रवाई में उन्हें दंडित न किया गया हो तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन रिगार्डिंग पनिशमेंट उनके खिलाफ न प्रोसीडिंग में हो सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु ये है कि जो पुरुष शिक्षक हैं वो तीन साल की संतोषजनक सेवा पूरी अपनी किए हों और महिला शिक्षिकाएं अपने तैनाती या कार्य जनपद में एक साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुकी हों उनके विरुद्ध पूर्व में संस्थित किसी विभागीय कार्य कार्यवाही में उन्हें दंडित ना किया गया हो तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी विभागीय कार्रवाई में उनके खिलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की गई हो केवल वे ही पारस्परिक अंतर जनपदी स्थानांतरण हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे कोई शिक्षक या शिक्षिकाएं अगर निलंबित हैं या उनके खिलाफ़ कोई इंक्वायरी पुटअप है तो दोस्तों वो बिल्कुल पारस्परिक जनपदी स्थानांतरण हेतु आवेदन के पात्र बिल्कुल नहीं हैं खा बिंदु है दिव्यांग पुरुष या महिला शिक्षक को कार्यरत जनपद में तीन वर्ष एवं एक वर्ष की अनिवार्यता सेवा अवधि से छूट रहेगी ऐसे दिव्यांग पुरुष या महिला शिक्षक पारस्परिक जनपदी स्थानांतरण हेतु रजिस्ट्रेशन या आवेदन कर सकेंगे गा ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो वे ही रजिस्ट्रेशन या आवेदन करने हेतु पात्र होंगे अगर किसी शिक्षक या शिक्षिका का वेतन अवरुद्ध हो रोका गया हो तो दोस्तों वो बिल्कुल इस पारस्परिक जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है उसमें बिल्कुल वो पात्र नहीं है घा बिंदु ये कहता है कि जिन अध्यापक या अध्यापिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनका आवेदन पत्र सत्यापित एवं अग्रसारित नहीं किया जाएगा जिसके खिलाफ़ कोई भी एक्शन कोई भी डिपार्टमेंटल जो पनिशमेंट की कार्रवाई इस समय प्रोसीडिंग्स में है माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उनका फॉर्म बिल्कुल अग्रसारित नहीं करेंगे बिल्कुल संस्तुत नहीं देंगे अतः ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं पारस्परिक अंतर जनपदी स्थानांतरण के जो ऑनलाइन आवेदन होना है उसके पात्र तो दोस्तों नहीं होंगे दूसरा बिंदु है आवेदन हेतु तो तीन वर्ष एवं एक वर्ष की न्यूनतम अर्हता की तिथि शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए अंतर जनपदी स्थानांतरण हेतु तो विज्ञापन निर्गत किए जाने की तिथि 20 दिसंबर 2019 से मानी जाएगी तो कितने साल की सेवा पुरुष शिक्षक की हुई कितने साल की सेवा महिला शिक्षिका की हुई ये कैसे गणना होगी 20 दिसंबर 2019 इसके लिए एक मानक है यहीं से आप घटा करके पहले जितनी भी आप सेवा की हो घटा लो उससे ये क्लियर हो हो जाएगा अगर तीन साल से अधिक आता है तीन वर्ष आता है तो पुरुष शिक्षक आवेदन के लिए पात्र हैं एक वर्ष से अधिक आता है तो महिला शिक्षिकाएं आवेदन के लिए पात्र हैं। तीसरा बिंदु कहता है कि शासनादेश दिनांक दो दिसंबर दो हजार उन्नीस के बिंदु संख्या चौदह के अनुसार आकांक्षी जनपदों सहित सभी जनपद के अध्यापकों के पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे पारस्परिक स्थानांतरण में दोनों अध्यापकों की आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा दोनों शिक्षक जो कि म्यूचुअल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र चाहते हैं उनका जो शपथ पत्र है दोस्तों वो मैंडेटरी है वो अनिवार्य है उसे प्रस्तुत करना होगा और दोनों को ही अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा दोनों देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं जो भी शिक्षक भाई बहन म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ेगा आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा और दोनों ही लोगों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा चौथा बिंदु है पारस्परिक अंतर जनपदी स्थानांतरण हेतु इच्छुक अध्यापक अध्यापिकाओं को निर्दिष्ट वेबसाइट यूपी बेसिक एजू परिषद डॉट जी ओ वी डॉट आई एन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन निर्धारित समय अवधि में ही किया जाना होगा पांचवा बिंदु कहता है कि जनपदीय स्थानांतरण का पूर्व लाभ लेने वाले अध्यापक जिनका स्थानांतरण हो चुका है अभी हाल ही में 2018 में दोस्तों जनपदीय स्थानांतरण हुआ था तमाम शिक्षक भाई बहन निर्दिष्ट स्थानों पर जा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में पुनः पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वो पात्र नहीं होंगे परंतु यह प्रावधान ऐसे अध्यापकों ऊपर जो कि पहले में अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं किंतु असफल रहे बहुत से लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन उनका हो ही नहीं पाया वो फेलियोर रहे कुछ कारणों से आकांक्षी जिलों का मामला था या उनका नहीं हो पाया असफल रहे वे कैंडिडेट या भारतीय सेना वायुसेना नौसेना अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एसएसबी, असम राइफल्स आईटीबीपी, एनएसजी, बीएसएफ या दिव्यांगों असाध्य रोगी तथा एकल माता पिता सिंगल पेरेंट से संबंधित प्रकरणों पर यह कंडीशन दोस्तों लागू नहीं होती वे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारस्परिक अंतर्जनपदी स्थानांतरण हेतु तो ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पारस्परिक अंतर्जनपदी स्थानांतरण जो होगा दोस्तों गांव से गांव नगर से नगर में ही किए जाएंगे यानी ग्रामीण क्षेत्र के आप शिक्षक हैं तो आप जहाँ जाएंगे दूसरे जिले में वो भी ग्रामीण क्षेत्र ही रहेगा नगर में आप नहीं जाएंगे नगर क्षेत्र में हैं तो दूसरे जनपद में जो जाएंगे नगर क्षेत्र में ही जाएंगे आगे चलते हैं दोस्तों फिर बिंदु दो ये कहता है कि अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा अंतर जनपदी स्थानांतरण अध्यापक के अनुरोध पर अथवा पारस्परिक जनपदी स्थानांतरण में से किसी एक में ही आवेदन करना होगा तो यहाँ पे दोस्तों बात ये हो रही कि अध्यापक हो या अध्यापिका द्वारा जनपदी जो भी स्थानांतरण होना है वो अध्यापक के अनुरोध पर अथवा पारस्परिक जनपदी स्थानांतरण में से किसी एक में ही आवेदन आपको करना है फिर बिंदु तीन है पारस्परिक जनपदी स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापक या अध्यापिका को काउंसलिंग के समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वे कि उनके द्वारा मात्र पारस्परिक जनपदी स्थानांतरण हेतु आवेदन किया गया है तो आपको वहाँ पे एक शपथ पत्र देना होगा कि आप एक ही लाभ ले रहे हैं यानी म्यूचुअल ट्रांसफर भी आप फॉर्म भरे हैं जनपदी स्थानांतरण का भी भरे हैं आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा मात्र पारस्परिक जनपदी स्थानांतरण हेतु आवेदन किया है दोनों कंडीशन आप नहीं कर सकते हैं या तो आप म्यूचुअल का लाभ ले लो या आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का लाभ ले लो आपको ये शपथ पत्र देना होगा चौथा बिंदु का का कहता है कि पारस्परिक जो अंतर जनपदी स्थानांतरण होगा दोस्तों उसमें हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल में जाएगा आप किसी जनपद में प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर हैं तो जिस जनपद में आप जाना चाहते हो वहाँ प्राइमरी के हेडमास्टर के पद पे ही जाओगे और प्रधानाध्यापक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय लेकिन यहाँ पे एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र में एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अगर कोई हेडमास्टर है प्राइमरी स्कूल में तो मिडिल के सहायक अध्यापक के पद पे जा सकता है दूसरी कंडीशन दी गई है तीसरी कंडीशन दी गई है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय यानी असिस्टेंट टीचर आप प्राइमरी स्कूल में हो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल में जा सकते हो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय हेड मास्टर उच्च प्राथमिक विद्यालय का हेड मास्टर उच्च प्राथमिक विद्यालय आपने एक बिंदु देखा दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक है तो वो हेड मास्टर के पद पे नहीं जा सकता है ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लागू है हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल का तो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक पे जा सकता है चलिए आगे चलते हैं बिंदु चार खा कहता है कि पारस्परिक अंतर जनपदी जो स्थानांतरण होगा वो भाषा शिक्षक का भाषा शिक्षक के साथ होगा यानी अगर उर्दू भाषा का है कोई शिक्षक तो उर्दू भाषा शिक्षक के साथ जाएगा या इंग्लिश में अगर उसकी नियुक्ति हुई है तो अंग्रेजी शिक्षक के रूप में जाएगा विज्ञान शिक्षक है तो विज्ञान शिक्षक के पद पर ही जाएगा गणित शिक्षक है तो गणित शिक्षक के पद का जो शिक्षक है उसके साथ स्थानांतरण होगा नोट यहां पे यह दिया गया है कि उपयुक्त शर्तों के अधीन ही पारस्परिक अंतर जनपदी स्थानांतरण की कार्रवाई दोस्तों संपादित की जाएगी यही कंडीशन लागू होंगी सातवां बिंदु कहता है कि पारस्परिक अंतर्जनपदी स्थानांतरण है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भरे जाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किया जाना होगा एक बार रजिस्ट्रेशन पत्र फाइनल सबमिशन करने के पहले भरी गई प्रविष्टियों को जांच करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र को ओ के माध्यम से अंतिम रूप से पूर्ण कर प्रिंट लेना सुनिश्चित करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र को ओ के माध्यम से सबमिट करने के उपरांत किसी भी प्रकार का पुनः संशोधन संभव नहीं होगा एक बार जब आप फाइनली सबमिट कर देंगे तो आप मॉडिफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे किसी भी त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी नए मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है अगर कोई एरर हो गई टेक्निकल या कहीं कोई बात आ गई तो एक आप नया मोबाइल नंबर लीजिए और न्यू रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र भरने के उपरांत अध्यापक या अध्यापिका द्वारा समस्त संबंधित अभिलेखों के साथ दो प्रतियों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु अंतिम तिथि दिनांक 20 जनवरी 2020 दो दोस्तों अंतिम तिथि है कार्यालय में आपको समय कार्यालय समय अवधि में आपको जमा करना होगा नवा बिंदु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा जिसमें शासनादेश में, शासना में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप रजिस्ट्रेशन पत्र तथा अभिलेखों प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी क्त तिथि को सभी अध्यापक अध्यापिकाओं से परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर ज्येष्ठता संबंधी शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा दसवां बिंदु है पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन जनपद में स्थानांतरित होने वाले अध्यापक या अध्यापिकाओं की वरिष्ठता का निर्धारण उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली उन्नीस सौ इक्यासी के नियम बाईस दो के अनुरूप किया जाएगा किसी अध्यापक को जिसे नियम इक्कीस के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानित स्थानांतरित कर दिया गया है ज्येष्ठता उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए गए दिनांक उस स्थानीय क्षेत्र में जिसका उसका स्थानांतरण किया गया है संबंधित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जाएगा ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा तो जहां भी आप जाएंगे जिस भी जनपद में जाएंगे वहां पे ऑलरेडी जितने भी टीचर हैं उनकी जो वरिष्ठता है उस वरिष्ठता के क्रम में आप सबसे बॉटम पे चले जाएंगे सबसे नीचे कोई दावा नहीं करेंगे कि अगर उनको जो ऑलरेडी वहाँ पे टीचर वर्क कर रहे हैं उनको जो लाभ मिल रहे हैं वही लाभ यानी पदोन्नति संबंधित लाभ ही एक लाभ बनता है उसमें आप क्या करेंगे दावा नहीं करेंगे कि इनके साथ हमारा हो जाए ऐसा कोई हक आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आगे चलते हैं ग्यारहवा बिंदु पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु तो मात्र ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे मैनुअल आवेदन पत्र जैसे रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कुरियर दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे बारहवां बिंदु काउंसलिंग के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी केवल सत्यापित रजिस्ट्रेशन पत्रों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण करने के उपरांत ही पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी तेरहवा बिंदु है पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में अध्यापक या अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों का सत्यापन सं, संबंधित निर्गत किए जाने वाले प्राधिकारी एवं संस्थान से कराया जाएगा जो भी संस्थान आपका सर्टिफिकेट इश्यू किया है उसको वेरीफाई किया जाएगा किसी भी प्रकार से कोई भी अभिलेख फर्जी या कूटरचित पाया जाता है तो संबंधित कार्मिक को सेवा से बर्खास्त करते हुए उसके विरुद्ध एवं फर्जी एवं कूटरचित अभिलेख निर्गत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी चौदाहवा बिंदु है सबमिट करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को पूर्ण माना जाएगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र पर विचार दोस्तों नहीं किया जाएगा सबमिट करने के उपरांत आवेदन पत्र में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा दी गई किसी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप में सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा पंद्रहवा बिंदु है अध्यापक या अध्यापिकाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी समस्या हेतु बेसिक शिक्षा परिषद की ईमेल आईडी दोस्तों दिया गया है और ये ईमेल आईडी है म्यूचुअल इंटर डिस्ट्रिक्ट वन नाइन टू ज़ीरो एट द रेट ऑफ़ जी पर अपनी समस्या का उल्लेख किया जा सकता है सोलहवा बिंदु है ऐसे अध्यापक या अध्यापिकाएं जिनके द्वारा पूर्व में जनपदी स्थानांतरण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं वे पारस्परिक जनपदी स्थानांतरण हेतु आहर नहीं होंगे तो बहुत से शिक्षक भाई बहन हैं जो 2018 में ही अंतर्जनपदी स्थानांतरण का लाभ ले चुके हैं अब वो म्यूचुअल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए दोस्तों योग्य नहीं है पात्र नहीं है वो बिल्कुल आवेदन न करें मना किया गया है सत्रहवा बिंदु पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले अध्यापकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के पश्चात निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नवीन जनपद में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के उपरांत दोनों अध्यापकों को अनिवार्य रूप से कार्य मुक्त किया जाएगा यहां दोस्तों कंडीशन दूसरी है अगर आप अंतर जनपदीय स्थानांतरण लेते हैं वहाँ पे और पारस्परिक वाले में अंतर है यहाँ पे अंतर ये है कि आपको अनिवार्य रूप से कार मुक्त किया जाएगा कार मुक्त किए जाने के उपरान्त यदि किसी अध्यापक द्वारा जानबूझ कर स्थानांतरित जनपद में कार्यभार नहीं ग्रहण किया जाता तो उसके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी तो यहाँ पर आप सोच समझ के फॉर्म भरिए क्योंकि अगर आपको विद्यालय नहीं पसंद आया और उसके बाद आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया और किसी एक ने भी वहाँ ज्वाइन ना करने का संकल्प ले लिया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी दोनों अध्यापकों को अपने कार्य जनपद से अधेता प्रमाण पत्र प्राप्त कर नवीन जनपद में निर्धारित समय तक कारभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी गाइडलाइंस आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना चैनल पे कमेंट करना इसे अपने जैसे शिक्षक भाई बहनों तक जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी ये गाइडलाइंस की जानकारी हो सके लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हो बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस इज जय जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ